नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन से फायर्ड साइमल्टेनियसली हॉरिजोटली एंड विद डिफरेंट स्पीड फ्रॉम द सेम प्लेस विच बुलेट विल हिट द ग्राउंड फर्स्ट हमारे ऑप्शन है फास्टर वन स्लोअर वन बोथ विल रीच साइमल्टेनियसली या इट विल डिपेंड ऑन द मास नाउ इसका राइट right आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी मैं आपको स्नैरियो समझाता हूँ कि मान लीजिए कुछ इस प्रकार का मान लीजिए अगर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि अगर आपने लेट्स से आपके पास दो कॉइन है ठीक है सो so, ये दो कॉइन है इन दोनों कॉइन को हमने टेबल पे ऐसे रखा है एक को तो आपने जो आपका कॉइन है उसको एक को आपने जस्ट हल्का सा ऐसे ड्रॉप किया है और दूसरे को आपने तेजी से ऐसे मारा है जैसे हम कैरम खेलते हुए वी स्ट्राइक नो वो कॉइन को जो स्ट्राइक करते हैं तो उस केस में आपके दोनों पार्टिकल डिफरेंट डिफरेंट हॉरिजोनटल वेलोसिटी से गए हैं तो एक का पात तो मान लीजिए ये कह लेते हैं इसको आपने ड्रॉप किया है दूसरा पार्टिकल जो उसको आपने हॉरिजोंटल वेलोसिटी दी है और वो ऐसे करके जाएगा सवाल ये है दोनों की हाइट क्योंकि सेम है इनिशियल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दोनों की अलग अलग है तो उस केस में सवाल ये है कि जब ये नीचे पहुँचेंगे तो कौन इन दोनों पार्टिकल में कौन पहले नीचे हिट करेगा किसकी पहले नीचे गिरने की आवाज़ आएगी सो तो आंसर इज दोनों की सेम सेम वो आएगी टाइम uh, दोनों को सेम लगेगा सो so, उस केस में अगर हम इसको अपने इक्वेशन और मोशन से देखें सो so अगर हम इसकी वाई डायरेक्शन में मोशन कंसिडर करें तो वाई डायरेक्शन में दोनों का ही जो आपका इनिशियल वेलोसिटी है वो आपकी जीरो है और अगर हम यहाँ थर्ड इक्वेशन नहीं थर्ड इक्वेशन नहीं आ, Uh, यहाँ पे अगर हम सेकेंड इक्वेशन लगा दें तो सेकेंड इक्वेशन से हम कहते हैं एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और दोनों ही केसेस में आपका ये आ, आपका ओरिजिन पॉइंट है सो so, दोनों ही केसेस में आपका डिस्प्लेसमेंट माइनस एच है इनिशियल वेलोसिटी आपकी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दो सॉरी वर्टिकल डायरेक्शन में दोनों जीरो है सो दिस विल बी इक्वल टू प्लस हाफ और माइनस जी टी स्क्वायर सो विच एम्प्लाइज आपका टाइम जो आएगा वो होगा अंडरवूड टू एच बाय जी सो so, दोनों का ही नीचे गिरने का टाइम आपका एग्जैक्ट सेम होएगा, दोनों के गिरने की आवाज आपको एक साथ आएगी दोनों एक साथ आपका ग्राउंड हिट करेंगे हैंस आपका ऑप्शन नंबर सी बोथ विल रीच साइमल्टेनियसली वुड बी द राइट आंसर